दर्शकों मायूस मत होइएगा, आज आपको प्रमाण सहित बताएंगे कि ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा भगवान क्यों हैं, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान क्यों हैं और शिव पुराण में शिव भगवान कैसे हैं। आज आपको इस पूरे रहस्य की जानकारी प्रमाण सहित दी जाएगी। सुनिए संत रामपाल जी महाराज के इस विषय पर ये विशेष सत्संग प्रवचन। जैसे ये साधक साधना करते थे, मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होते थे, तो काल इनको भ्रमित करने के लिए किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता, तो ऋषि महर्षि सोचते कि ये विष्णु जी देवता हैं, ये पूर्ण परमात्मा हैं, और उनको आकर पुल बांध देते कि आप ही समर्थ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो, मन समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल का जो है ना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। एक ने, दो ने, दस ने, बीस ने, ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे को सिद्धि विद्धि उन्हें देख अंतर ध्यान हो जाता समाधि दशा में। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं, और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्यो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए, और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सबका मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका जनक हूँ, और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ, देख मैं तेरा बाप आया हूँ। अब विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए इस काल ने सदाशिव ने बीच में एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा था छिया दिया छोड़, उसको ढूंढने लग गए उसके एंड को। कहने का भाव ये कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया, और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने इनसे प्रश्न किया तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूँ, मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पे हम दिखाते हैं, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं, क्या है यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले यू काल बोलिया कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आते हैं। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो दो तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यूं मैं गलत लिखा, दो अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझ से प्राप्त किए। तो दो तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और दो ये रुद्र और महेश हो गए, बोलनिया पांचवा। इससे हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं, ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है, वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को चार सुनकर आप भ्रम में ना पड़ना, हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश
ये इनसे न्यारा है जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है, हमने चार सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने एक बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था इनका जन्म और दुर्गा इनकी माता। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र शास्त्रों से ये प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी को सर्वशक्तिमान अर्थात बड़ा क्यों बताया है, विष्णु पुराण में विष्णु जी को और शिव पुराण में शिव जी को बड़ा क्यों बताया है। संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया है कि काल ब्रह्म ने जिन ऋषियों को समाधि दशा में ब्रह्मा रूप में दर्शन दिए, उन ऋषियों ने मान लिया कि ब्रह्मा जी ही सबके रचियता हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं, इनसे ही ये देवता उत्पन्न हुए हैं। फिर उन ऋषिजनों ने ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा का गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी को सबसे बड़ा लिख दिया। इसी प्रकार इस काल ब्रह्म ने, जो कि इन तीनों देवताओं का पिता है, उसने जिन ऋषियों को विष्णु रूप में दर्शन दिए, उन्होंने विष्णु जी को सबसे बड़ा मान लिया और विष्णु पुराण में सबका रचियता विष्णु जी को बता दिया। इसी प्रकार जिन ऋषियों को इस काल ब्रह्म ने शिव रूप में दर्शन दिए, उन्होंने शिव को सबका रचियता मान लिया और शिव पुराण में शिव की महिमा का गुणगान करते हुए शिव को सबसे बड़ा बता दिया। आज संत रामपाल जी महाराज ने शिव पुराण से सिद्ध कर दिया कि जिस प्रकार काल ब्रह्म ने शिव रूप में प्रकट होकर दोनों देवताओं का अर्थात ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध रुकवाया, तो सबने मान लिया कि शिव ही भगवान है, जबकि यहाँ एक शंकर और खड़े हैं और रुद्र भी वही है। इससे सिद्ध होता है कि ये काल ब्रह्म ही इन तीनों देवताओं का रूप बनाकर प्रकट होता है।